नहीं सही है, अगर हमने बराबर है। सुनने के टाइम देखा, ऐसे देखा हाँ भी, इट्स फाइन, बोलने के टाइम हम कैमरा बोलने के पे, टाइम या चलिए कैमरा रोलिंग। ओके फर्स्टली द वेट इज कम्प्लीटली ओवर आफ्टर 2 ईयर्स बॉन्डिंग टू। काफ़ी एक्साइटेड थी पीपल सेकेंड सीजन का आएगा। फर्स्ट सीजन जहाँ से एंड हुआ श्योरिटी था सेकेंड सीजन आने वाला है। क्या कुछ कहना चाहोगे ट्रेलर को, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आफ्टर द सेकेंड ट्रेलर का के हो? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये बर्थडे मंथ है तो ज़रूर सब देखें। बट ऑन अ सीरियस नोट, गॉन गेम एज अ कॉन्सेप्ट इतना रेलिवेंट है एंड जितने भी बहुत सारे अच्छे शोज हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आजकल आ रहा है, लेकिन जो लॉकडाउन में शूट हुआ था और लॉकडाउन की वजह से जो जो हुआ है, जो चेंजेस हो रही हैं हमारी कहानियों में, हमारी रिलेशनशिप्स में, तो गॉन गेम सीज़न 1 और 2 में आप वो सब पूरा देख पाओगे। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू रिकैप सीज़न 1, क्योंकि 2 में तो बहुत मज़ा आने वाला है। और प्लस सीज़न 2 का जो एडवांटेज है कि गॉन गेम 1 के जो USP थी कि जब हम एक्टर्स एक दूसरे को नहीं मिले थे और फिर भी लोगों ने सबकी परफॉर्मेंस को इतनी तारीफ़ की, सबको इतना इंट्रीगिंग लगा, और इस वक्त तो हम एक साथ परफॉर्म किया है, एक साथ हमने यू नो डायरेक्टर्स सेट पे था, लाइक लास्ट टाइम तो इवन द डायरेक्टर वाज ऑन आईपैड, सो यू विल सी अ लॉट मोर इंटेंसिटी एंड आई थिंक सो जो आप ट्रेलर देख रहे हो वो वाकई ट्रेलर है। 7 जुलाई को यू विल सी एग्जैक्टली व्हाट इट इज। सीजन फर्स्ट की मैं बात करूं, काफी शूटिंग आप लोग ने अपने अपने घरों में की, काफी नहीं हमने पूरी शूटिंग अपने घर पे की। और इस सीजन में भी व्हेन आई वाज सीइंग द ट्रेलर काफी जन ने मास्क पहना था, तो तब भी शूट हुआ था? नहीं, मास्क इसलिए नहीं पहना था क्योंकि वो शूटिंग का था। मास्क इसलिए पहना था कि वी वर स्टिल गोइंग ऑन विद द कंटिन्यूटी बिकॉज ये कोविड में शूट हो रही है, और कोविड में जब जैसे भी जैसे इसमें अगर कोई बाहर का आता है तो जब घर वालों का सीन है उसमें वी हैव केप्ट इट एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। जैसे जो हमारी जो रुखसार हु इज प्लेइंग माय वाइफ, शी इज़ ऑब्सेस्ड बाय सैनिटाइजर, तो वो सीन चलते चलते भी वी हैव केप्ट इट के वो अपना हाथ करे, जो होता है आजकल घरों में, जो हो रहा था स्पेशली अभी पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा है, बट टिल अबाउट 6 मंथ्स बैक सब घर पे जब होते थे मास्क कोई घंटी बजती थी। आज भी अभी भी लगता है कि थोड़ा भी अभी फिर फियर फियर होने लग गया है तो घंटी बजती है तो इमीडिएटली मास्क पहनना पड़ता है। सो दैट्स द रीज़न वी आर वेयरिंग मास्क, इट्स नॉट इट्स अ कंटिन्यूएशन कि वो बिकॉज ऑफ फर्स्ट सीजन। सर रियल लाइफ कैरेक्टर से आप लोग का ये कैरेक्टर कितना मिलता जुलता है, और आप लोग का मतलब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में सीरीज में? वेल लकीली मेरा जो राजीव गुजराल का कैरेक्टर है मेरे रियल लाइफ से बिल्कुल नहीं मिलता, बिकॉज आई रियली रियली love both my children equally, or my son is not married, but if when he gets married, I love my daughter-in-law also. But yeah, the similarity of the characterization is basically ye jo what all we went through in these 2 years in this COVID, that whole intrigue is there in that when you see the show, wo you can feel ke there is this virus is all around with the characters, with you know, with one of the character using the sanitizer, itna beautifully used hua hai wo, ke the thriller aspect is not, it doesn't look like a documentary, which you felt in season 1 also, how well it was used, ke wo hospital mein, wo season 1 mein abhi bhi yaad hai mujhe, jab wo hum wo scene kar rahe the, ke wo hospital mein phone kar rahe hai, at that time, mere bete ki death ho gayi hai, but wo bahut logon ke saath us waqt hua tha, ke wo apne beto ki body lene bhi nahi ja sakte the, ke hospitals were not allowed, the family was not allowed to go to the hospital if you know, the body had COVID or something. So we've used all those things in season 1 and even in season 2, we have used the realistic things of what is happening in this COVID in season 2 also. Season 2 ki main baat karu, CBI aa chuki hai season 2 mein, humne dekha trailer mein jaise, to kya ye real life CBI jaldi kaam karega, kyunki real life CBI itne jaldi kaam nahi kar pa rahe, to ye real life mein jo CBI ye jaldi kaam kar payega? होपफुली हमें रियल लाइफ में CBI से कभी एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। हमने ऑन स्क्रीन किया और उसमें बहुत मज़ा आया। एंड यू नो वायरस सीजन 1 में था एंड जैसे हमारी लाइफ से कोविड और वो वायरस नहीं निकला है, विच इज़ वाई द मास्क, विच इज़ वाई द फियर ऑफ व्हाट द वायरस कैन डू, तो वो एक लूमिंग विलन टाइप का हमारी लाइफ में अभी भी है। ऑल्सो वायरस ने और लॉकडाउन ने क्या किया, हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ थी, हमारी जो पर्सनैलिटी टाइप थी, उसको और अंडरलाइन कर दिया है, जो कि आप हमें हमारे किरदारों में भी देखोगे। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी ऑन स्क्रीन। जैसे कट होता था
तो हम लोग में इनफैक्ट जितना प्यार है, सर अपने बच्चों से तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सर मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, वो हमारा से उतना नहीं करते होंगे, इनफैक्ट आई थिंक हमारा से भी करते हैं, करते हैं, बट इश्यूज दैट वो बैलेंस इज वेरी डिफरेंट. बट सीजन टू हैज बीन मेड विद अ लॉट ऑफ लव एंड थैंकफुली लाइक सर सेड दैट वी वर देयर फॉर ईच अदर because energies and vibes make a huge difference. We had a blast, really I will add that we were all very fortunate. Season 1 mein we had a very 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 accomplished and excellent director Nikhil Bhatt, and in season 2 again a person who has come up on board. Jab you know jab ek naya director aata hai, kyunki jab sab actors ne to already season 1 kiya hota hai, he came on board and the way he got so involved Abhishek, so I think so we are very fortunate to work with two excellent directors, and today whatever you're seeing is thanks to both of them. The bar has been raised. Yes, absolutely. So usually dekha jata hai ki season 1 se jab kahani season 2 mein jati hai to kuch kahin na kahin logon ko lagta hai ki yaar same characters hain ya fir kaise interest matlab ki itna paida nahi ho pata hai jitna season 1 mein paida hota hai. तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये कितना इंटरेस्टिंग है और क्या लोग कितना हुक्ड अप रहेंगे? well, मुझे तो ट्रेलर देख के बहुत लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है. डेफिनेटली हमने कोशिश ये डेफिनेटली की है कि ये बोरिंग नहीं लगे, ऐसा लगे कि ये जो जर्नी है वो आगे बढ़ रही है. वो जो आपको स्टोरी में भी लगेगा कि जर्नी आगे बढ़ रही है. पहले ये था कि सीजन 1 का था कि साहिल मर चुका है, और इस वक्त सीजन 2 में है कि दे आर ट्राइंग टू प्रूव इफ साहिल इज़ नॉट डेड, एंड वो सुहानी की कहानी है और ये सब है. सो डेफिनेटली वी आर विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, इट डेफिनेटली इज अ स्टेप अहेड. इट इज़ नथिंग टू डू विद द कैरेक्टर्स आर द सेम, बट इट्स डेफिनेटली मूविंग अहेड. इट्स नॉट कि हमने खाली गॉन गेम उसका नाम रखा हुआ है. लॉट ऑफ टाइम्स आप इंग्लिश शो भी देखते हैं कि वो शो का नाम सेम रहता है बट वो कंटिन्यूशन नहीं होती है स्टोरी की. इट जस्ट द नेम इज द सेम एंड द स्टोरी इज वेरी वेरी डिफरेंट. But here the characters are actually moving ahead with where we left in season 1. Last question. एक आखिरी सवाल, दो सवाल होगा उसमें. ढाई ले ले तू यार. पहला सवाल, क्या सीजन 3 देखने मिल पाएगा? और दूसरा सवाल, मिर्जापुर का सीजन 3 की शुरुआत हो चुकी है, शूटिंग कब तक देखने मिलेगा? गॉन गेम का ही मैं तो आंसर कर सकता हूँ. मिर्जापुर का तो ये देगी गॉन गेम. बच्चा अभी इस वक्त हम सोच रहे हैं गॉन गेम सीजन 2 का. It's too early to talk about season 3, but definitely the way Boot has backed us, they will definitely back us again. The show is very good, and if now it depends on the audience. If audience loves the show, I'm sure we will go ahead with season 3 also. Actually, I want to, because I want to continue working with these wonderful actors. What about Mirzapur season 3? The shooting is already started. When it is going to come? This year, next year? हमारे गॉन गेम में आप मिर्जापुर की बात नहीं करोगे. How long we have to wait for fans, have to wait for मुझे लगता है कुछ भी अच्छा बनने के लिए वक्त देना चाहिए, एंड जो कि थैंकफुली इवन गॉन गेम को दिया गया, एंड इवन मिर्जापुर को. मिर्जापुर का शूट चालू हो चुका है और अगले साल जैसे ही रेडी होगा आप लोग को देखने को मिलेगा. बट हाँ, थैंक यू. हैप्पी बर्थडे. देखो भाई, माइक चल नहीं रहा. No, it's working. Thank you.